hello friends welcome back to my channel study Hub. and today we are going to deal with structure of atom that is the part 2 of my video the first video i have already, uh, already being uploaded in my channel and today we are talking about dual behavior of electromagnetic radiation so dual behavior means that Two side behavior of the electromagnetic radiation. In my first video, I have already told you that electromagnetic radiation is a radiation which contains electrical as well as magnetic fields.

लाइट के अंदर ही वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं क्योंकि वो कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी शो करती हैं जो सिर्फ वेव शो कर सकती है लाइक इन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी क्लियरली दिस इमेज इन दिस इमेज इट इज शोन दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द रेड वन एंड ब्लू वन इज द मैग्नेटिक फील्ड Both the fields are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the x axis, which is the direction of propagation of the wave. And from here, we can make the definition of electromagnetic wave. Electromagnetic wave is that which contains electric as well as magnetic field, which are mutually <laughs> perpendicular to each other and also to the direction of propagation of the wave. So simple its definition is. And the next topic is spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्पेक्ट्रम जब हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो कलर बैंड की फॉर्म में सीरीज ऑफ कलर बैंड में स्प्लिट हो जाती है नॉर्मली इट स्प्लिट्स इन टू सेवन कलर्स इफ इट इज अ व्हाइट लाइट सो दिस कलर्ड सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो ये दो तरह का होता है कॉन्टीन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम है जिसमें सारी वेवलेंस हमें अवेलेबल मिलती हैं जितनी भी तरह की वेवलेंस हैं है वो सारी उस बैंड में होती हैं एंड लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है इसके अंदर ब्राइट लाइन्स होती हैं और कुछ डार्क स्पेसिस भी होते हैं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है क्योंकि उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंक्रीजिंग वेवलेंस या फिर कह लीजिए डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में अरेंज है जैसे वो रेडियो वेव से स्टार्ट होकर गामा रेज तक जाती हैं अगर स्पेक्ट्रम को हम क्लासीफाई करें एज ए मिशन एंड लाइन स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम टू टाइप्स का भी हो सकता है एमिशन एंड एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम वो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है जो सब्सटेंस एमिट करती है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जो तब बनता है जब कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है इट इज़ कॉल्ड एज एन एमिशन स्पेक्ट्रम और वो स्पेक्ट्रम जब बनता है जब रेडिएशन किसी सैंपल में से पास करती है और वह सैंपल उसको एब्जॉर्ब करके वेवलेंथ को और वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है वो मिसिंग होती है वहां से और वो डार्क लाइंस की फॉर्म में आती है तो यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जो ऑप्टेंट होता है जब रेडिएशन सैंपल में से पास होती है और वो सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है और उसमें से भी किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और जब वो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो वेवलेंथ का जो कलर है वो स्पेक्ट्रम में से मिसिंग हो जाता है यानी वो वहां दिखाई नहीं देता बल्कि डार्क लाइन की फॉर्म में दिखाई देता है अब इसी का एक एग्जाम्पल लेके सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि अगर हम एमिशन और एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं तो दिस इज रेफर टू ए स्पेक्ट्रोस्कोपी और अगर हम एटॉमिक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लें एटॉमिक हाइड्रोजन रेफर्स टू सिर्फ हाइड्रोजन एंड नॉट एच टू एटम का मतलब होता है ओनली सिंगल एटम एंड एटॉमिक हाइड्रोजन मीन्स सिंगल एच नॉट एच टू तो उन्होंने फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रम देखा था दैट वाज एटॉमिक हाइड्रोजन उसका स्पेक्ट्रम आप देखें पहले दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जब हमने इसका एब्जोर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाला तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वन टू थ्री फोर फाइव सीरीज़। फर्स्ट वन वाज लाइमन सीरीज़, देन बाल्मर, देन पास्चन, देन ब्रैकेटेड एंड पी फंड ये आपको नेम्स याद रखने हैं। और इसको डायग्राम को बनाना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ए टू थ्री फोर फाइव एंड इन्फिनेटी तक बनाना है बट आपने धीरे धीरे इनके बीच का स्पेस जो है वो कम करते जाना है फॉर एग्जाम्पल वन टू टू में देखिए स्पेस कितना ज्यादा है टू टू थ्री में कम थ्री टू फोर में और लेस फोर टू फाइव में और लेस और नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 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 ये डिफरेंस ये डिस्टेंस स्मॉल होता जाएगा और आपको इसने आपने इसको सभी लाइन्स के साथ मैच करना है फॉर एग्जाम्पल टू टू वन देन थ्री टू वन दैन फोर टू वन दैन फाइव टू वन दैन सिक्स टू वन एंड सो वन सिमिलरली बालमर में आपने थ्री टू टू फोर टू टू फाइव टू टू सिक्स टू टू इस तरीके से लाइन बनानी है तो ये जो सीरीज हैं ये वेव लेंथ को शो करती हैं और इसी के लिए राइडबर्ग ने एक फार्मूला दिया राइडबर्ग इक्वेशन के थ्रू उन्होंने कहा कि हम किसी भी वेव का वेव नंबर यानी जितनी भी एब्जॉर्ब हुई है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए पहले हम वेव नंबर का फॉर्मूला दिया उन्होंने दैट वाज वन जीरो नाइन सिक्स डबल सेवन एंड ब्रैकेट में वन अपॉन एन वन स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू स्केयर जहां पर एन वन और एन टू रिप्रेजेंट करते हैं इस पोजिशन को अगर एन वन है या एन टू है आपने क्या पुट करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एन वन वन टू है और एन टू जो है वो इससे एक ज़्यादा ही होगा तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेव नंबर डिपेंडिंग ऑन द नमेरिकल जिसमें हमें एन वन और एन टू की वैल्यू दी होगी फिर ये बताते हैं कि वन जीरो नाइन सिक्स डबल सेवन सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये राइटबर्ग right कॉन्स्टेंट है एंड इट इज़ ओनली फॉर हाइड्रोजन बट अगर हम बात करें कि ये सारी सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन से रीजन में दिखती है तो लाइमन सीरीज आपको याद रखनी है कि इट फॉल्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन बालमर सीरीज विजिबल रीजन में दिखती है यानी कि ये हमें दिखाई देती होगी क्योंकि ये विजिबल रीजन में फॉल करती है और पास्टन ब्रेकेटेड एंड पी फंड सीरीज ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन सी सीरीज कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन में गिरती है वो यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एब्सॉर्बन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड द स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन जिसका डायग्राम एग्जाम में आता है एंड इज इम्पोर्टेंट आफ्टर स्टडिंग द थाम्पसन मॉडल एंड रदर फॉर मॉडल टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द बोहर्स मॉडल ऑफ दाइड्रोजन एटम विच इज एक्सेप्टेड इन अ गुड वे इट वॉज गिवन बाय नील बोहर एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आपके पास जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है देर इज अ सेंट्रली चार्ज न्यूक्लियस एंड इसके अराउंड शेल्स हैं दैट कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज शेल्स आर क्वान्टाइज एंड दे हैव डिफरेंट वैल्यूज लाइक के एल एम एन ये इसको डेजिगनेट कर सकते हैं हम या फिर वन टू थ्री फोर से भी एंड ऑल ऑफ देम हैज अ स्पेसिफिक रूल ऑफ कंटेनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स वो हम डिस्कस करते हैं सो so, बोहर मॉडल कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड रिमूव मूव करता है सर्कुलर पाथ में फिक्सड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी के साथ और इन्हीं पार्ट्स को हम ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल कहते हैं ये ऑर्बिट्स जो है वो कंसेंट्रिकली अरेन्ज हैं कंसेंट्रिकली मीन दे हैव हाँ कॉमन सेंटर अराउंड द न्यूक्लियस एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट वो ना तो एनर्जी को लूज करेगा ना ही गेन करेगा सो so, फ्रेंड्स यहां से मैं आपको याद दिलाती हूँ कि रदरफॉर्ड मॉडल की लिमिटेशंस मैंने आपको बताई थी जिसमें मैंने आपको ये समझाया था रदर फॉर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जिसमें उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करेंगे और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे इट मीन्स कि एटम स्टेबल नहीं है बट एक्चुअल में एटम तो स्टेबल है तो उस स्टेबिलिटी को बोहर ने एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट के साथ जिसमें उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है यानी वो अपने ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता के से एल में नहीं जाता जब तक के में ही रहता है या एल में ही रहता है तब तक वो ना तो अपनी एनर्जी को लूज करता है ना ही गेन करता है एंड एनर्जी रिमेन्स द सेम और जब ये ट्रांजिशन होता है तो उनकी एनर्जी चेंज होती है और रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब या एमिट होती है जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम दिखते हैं जो हम ऑलरेडी अभी अभी पढ़ कर आ रहे हैं सो so, अगर हम E इज इक्वल टू एच नियू का फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो वी गेट एन आइडिया E2 टू माइनस ई वन अपॉन एच जहां पर h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है सेकेंडली एक इलेक्ट्रॉन जब दोज ऑर्बिट्स में मूव करता है फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटरगल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई तो वो ये बात बताना चाहते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच टू पाई यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट्स में मूव करता है तो उस वो हर टाइम अपनी मास और अपने मास को तो कांस्टेंट रखता है बट वेलोसिटी को चेंज करता है एक पर्टिकुलर एंगल पे तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी एन में है यानी कौन सी शेल में है सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिकॉज इससे हम उसका रेडियस भी निकाल सके थे और रेडियस है 52.9 पिकोमीटर इनटू एन स्केयर अपॉन जेड तो यहां से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है दैट इज जेड और अगर आपको उसका एन यानी कि शेल नंबर पता है इसी को एक्सप्लेन करते हुए बहोर ने यह भी बताया कि एनर्जी जो है वो माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर माइनस एटीन और जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर होती है यानी वी कैन आल्सो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट अगर हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर और उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का पता लग जाए कोई भी ऑर्बिट में निकालना तो सिंपली वी हैव टू पुट दी एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड वी विल गेट द एनर्जी सो दिस वॉज द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द बोहर ऑर्बिट अलॉन्ग विद द इक्वेशन द बोहर मॉडल विच विल हेल्प यू आउट इन ऑल द नमेरिकल्स बट देर वॉज अ लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल आल्सो एंड दिस लिमिटेशन वॉज ही वॉज फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो भी उन्होंने एमिशन और एब्जॉर्बशन के बेस पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा दिया था उसकी फाइनर डिटेल्स को वो नहीं बता पाए और वो इस स्पेक्ट्रा को दूसरे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में नहीं बता पाए यानी वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन में ही इस स्पेक्ट्रम को बता पाए और मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम में यानी किसी और एटम में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टू डेज वीडियो जिसमें हमने एबजॉब्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा एंड अलॉन्ग विद वन मॉडल पढ़ा एंड दैट टू विद डिटेल बिकॉज टेंथ में आपको इसकी डिटेल नहीं आती है अलॉग विद फार्मूलाज तो काइंडली लर्न दिस फार्मूलाज टू सॉल्व ऑल द नोमिकल्स एंड स्टे टून टू माई चैनल प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट एंड इफ यू आर अ न्यू व्यूअर प्लीज प्रेस द बेल आईकॉन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू हैव अइस डे